हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है प्लस टू अकाउंट्स का, प्लस टू वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये है गारंटी। गारंटी का मतलब, अगर फर्म में पार्टनर्स ने किसी दो पार्टनर्स को या एक पार्टनर को गारंटी दी है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्टनर हैं और उनकी रेशियो कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1। सी को गारंटी दी है, मिनिमम गारंटी बाकी पार्टनर्स ने सी को दी है 37,500 की, और उनके साल के एंड वाला प्रॉफिट है 1,57,500। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सी की अमाउंट निकालनी है कि सी को गारंटी वाली अमाउंट मिनिमम कैसे मिलेगी और बाकी के पार्टनर्स को शेयर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट्स में से जितना हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से सी का रेशो निकाल लो, सी का शेयर निकाल लो, क्योंकि सी का शेयर डीड की अकॉर्डिंग 1/7 था। ठीक है, तो आपने कैसे निकालना है, टोटल शेयर इनटू सी रेशो, ये आ गया हमारा 22,500, क्योंकि फिर अब कंपेयर करो गारंटी वाली अमाउंट से, गारंटी वाली अमाउंट 37,500 है और रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकला है 22,500, क्योंकि ये प्रॉफिट कम निकला है, गारंटी ज़्यादा दी है, इसीलिए हमें कम से कम गारंटी वाली अमाउंट उसको देनी पड़ेगी अगर रेशो वाला प्रॉफिट कम हो। तो कैसे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने टोटल प्रॉफिट में से गारंटी वाली अमाउंट लेस करनी है, बाकी आ गया आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। अब क्योंकि सी को तो गारंटी वाली अमाउंट दे दी, बाकी रिमेनिंग पार्टनर कितने हुए हैं, ए और बी। अब ये 1,20,000 पूरा ए और बी का है, ए और बी दोनों आपस में 1,20,000 को कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे उनकी रेशो कितनी थी तीनों की 4:2:1। अब वन वाले को यानी सी को तो दे दिया, सी को उसकी अमाउंट दे दी, बाकी बचे ए और बी, उनकी रिमेनिंग रेशो बाकी बचे 4:2। ओके, तो ए को कितना मिलेगा इस रेशो के अकॉर्डिंग, 1,20,000 रिमेनिंग प्रॉफिट का 4/6 बोल सकते हो, या इसकी लीस्ट रेशियो बना ली 2/3। तो ए का प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20,000 इंटू 2/3। ऐसे ही बी का आ गया 1,20,000 इंटू 1/3, 80,000 ए के लिए, 40,000 बी के लिए, और सी का जो गारंटी वाली अमाउंट है। ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन। अब अगर आपको एग्ज़ाम में दिया गया है कि एंट्रीज पास करो, गारंटी वाला क्वेश्चन दिया है और एंट्रीज पास करो, तो एंट्रीज वाला कैसे करना है, आपने एंट्रीज कैसे पास करनी है। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उनकी रेशो 5:4:1 है और सी को मिनिमम गारंटी दी है 50,000 की, और आगे ये भी दिया है कि अगर सी का रेशो के अकॉर्डिंग अमाउंट 50,000 से कम आएगा तो जितनी कम आएगी, जितनी डेफिशिएंसी होगी वो ए और बी 3:2 में अपनी डेफिशिएंसी बियर करेंगे। तो साल का प्रॉफिट है 4 लाख, तो आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, कौन सी जनरल एंट्री पास करनी है, जो नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये बैलेंस हमारे पास क्रेडिट पड़ा था, अब इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करोगे, जो क्रेडिट पड़ा था उसको डेबिट कर दोगे, इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स ने आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग ही करना है। पहले अपनी की एंट्री ये होगी, फिर आपने ये देखना है कि जो पूरा प्रॉफिट, ये 4 लाख का प्रॉफिट है, ये ए बी और सी तीनों का है, तीनों की हमने एक्चुअल रेशो के अकॉर्डिंग उनकी अमाउंट पता करनी है, ए को कितनी जाएगी, बी को कितनी जाएगी, सी को कितनी जाएगी। अब उनकी रेशो के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया, कैसे, 5:4:1 था, 4 लाख का ए की रेशो इतनी आ गई 2 लाख, और बी की रेशो 1,60,000 आ गई बी की अमाउंट रेशो के अकॉर्डिंग, और सी की अमाउंट निकल गई 40,000। तो हमने पहले इन तीन और ये दो तीन ने हमारे पास अमाउंट्स आई हैं, इसको उनके शेयर में दिखाना है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करोगे, अगर लिसन स्टूडेंट, ये पार्टनर्स को कुछ भी देना है, उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना है या सैलरी देनी है या कमीशन देना है, उनकी हमेशा कैपिटल में या करंट अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो अब उनको प्रॉफिट एंड लॉस देना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो हमारे पास क्रेडिट पड़ा है अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए इसको उठा के डेबिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू उन तीनों का कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ए की अमाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, बी की अमाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सी की अमाउंट।
प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है कि सी को गारंटी तो दी है कम से कम 50,000 की, लेकिन उसके रेशो के अकॉर्डिंग निकल रहा है 40,000, तो डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी एक्चुअल गारंटी अमाउंट जितनी दी गई गारंटी है और जो रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकला है, उनकी जो डेफिशिएंसी है सी की वो 10,000 है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है जितनी भी डेफिशिएंसी है वो ए एंड बी 3:2 में बियर करेंगे। अब 3:2 कितना आ गया, ए की रेशो कितनी आ गई 3:2, थ्री का मतलब थ्री रेशो ए की, तो डेफिशिएंसी कैसे बियर करेगा, ए टोटल डेफिशिएंसी इनटू रेशो, डेफिशिएंसी के अमाउंट कितनी है 10,000, ए की रेशो कितनी है 3:2, 3/5 जो हम दोनों का रेशो है वो टोटल निकाल लिया 3:5, ये ए की ए बियर करेगा 6,000 और बी कितना बियर करेगा 10,000 का 2/5, ये 4,000 बी बियर करेगा। अब क्योंकि उनसे कैश तो लेना नहीं है, कैश लेना नहीं है, लेकिन ए से कितने रुपीस लेनी है 6,000, बी से कितने लेने हैं 4,000, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी ही उसकी डेफिशिएंसी बियर करेंगे और ये 10,000 मिलेगा किसको, सी को। तो अमाउंट हमने एंट्री कैसे पास करनी है उस अमाउंट की, जो जिस पार्टनर से कुछ भी लेना है उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाएगी। तो ए को ए से कितना अमाउंट डिडक्ट करना है कि कैपिटल में से 6,000, सो ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, देना किसको है सी को, तो सी की कैपिटल में ये क्रेडिट करना है 2, सी इज कैपिटल अकाउंट रुपीज 10,000। इट्स ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा गारंटी वाला, गारंटी कैसे निकालते हैं या गारंटी वाली अमाउंट को कैसे हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को और उनकी एंट्रीज कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने थोड़ी सी टिपिकल एंट्रीज दिखानी है, फुल क्वेश्चन दिखाना है कि हमने गारंटी वाला क्वेश्चन कैसे निकालना है विद प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वर्ड्स क्लासेस बाय निशु मैडम, इट्स ओके।